सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसको बर्दाश्त है दोस्तों तरक्की आजकल दूसरों की, लोग तो मैयत की भीड़ देखकर भी जल जाते हैं, सपना हकीकत में बदल जाता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल हमसे कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वो मंजूरी होती है। आज का पंचांग 7 सितंबर 2021 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, शाम 6:21 तक रहेगी। इसके उपरांत शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 5:05 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:29 से 5:02 तक रहेगा। आज का विजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर रात्रि 10:50 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 7 सितंबर 2021 दिन मंगलवार, अपनी आंखें खुली रखें। आज आपकी मुलाकात अपने सपनों के साथी से हो सकती है। प्रेम पाने की संभावना आज प्रबल है, हालांकि अलग से अंदाज के कारण उसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। आज आपको किसी अप्रत्याशित व्यक्ति से उपहार भी मिल सकता है। कुल मिलाकर आज के दिन आपके लिए घटनाओं से भरा रहेगा। सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं में समय व्यतीत करने तथा उचित योगदान देने से आपको खुशी और नई ऊर्जा महसूस होगी। विद्यार्थियों को भी अपनी मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। कुछ समय मनोरंजन तथा हास परिहास में भी व्यतीत होगा। परिणाम की चिंता न करते हुए कुछ कार्य करके आगे बढ़ना आज आपके लिए जरूरी होगा। जीवन में थोड़ी बहुत रिस्क लेना आपको आना चाहिए, जिसके जरिए से आप अपने विचारों के दायरे और सीमित बातों से निकल पाएंगे। विचारों में सकारात्मकता बनी रहेगी, जिसके कारण खुद के द्वारा होने वाली छोटी मोटी गलतियों को सुधार कर खुद के प्रति सकारात्मक नजरिया बनाए रखने की कोशिश आप करेंगे। काम से संबंधित नई बातें सीखते समय इसका उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इस बारे में सोच विचार करें, तभी कोर्स चुनाव करना आपके लिए आसान होगा। किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम की भावना है या केवल आकर्षण है, इस बात में फर्क कर पाना आपको कठिन लगेगा, लेकिन वक्त के साथ बातें स्पष्ट रूप से सामने आएगी। सावधानियां, किसी पारिवारिक सदस्य के वैवाहिक जीवन में विघटन जैसी स्थिति बन रही है तो इसकी वजह से परिवार में कुछ तनाव व्याप्त रहेगा, परंतु इस समय धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से काम ले। आपका सुझाव बल सहयोग स्थितियों को काफी हद तक संभाल सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा, सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझकर घर के कार्यों में हाथ बटाएंगे। आप अपनी लव लाइफ को बिना किसी बात के उलझा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप अपने सामने देखने और इसे स्वीकार करने से कतरा रहे हैं। आपको खुले दिमाग से स्थिति का बिल्कुल स्पष्ट मूल्यांकन करने और उसी के अनुसार सही रास्ता चुनने की आवश्यकता है। आपको यह देखना होगा कि किस रास्ते पर चलकर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और फिलहाल आप अपने अहम के बस में होकर किस रास्ते पर चल रहे हैं। बात करते हैं करियर की। आज के दिन की शुरुआत उल्लेखनीय होगी। आपको पदोन्नति या नई जिम्मेदारी के पेशकश दी जा सकती है और भाग्यशाली लोगों को नई नौकरी के अद्भुत अवसर प्राप्त हो सकती है। आपकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा चारों ओर हो रही है और ये समय इसका फल पाने का समय है। वित्तीय स्थिति में धन के प्रवाह की वजह से मजबूती आने की संभावना है। आज कार्य क्षेत्र में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन फोन कॉल को नजरअंदाज ना करें, इनसे ही आपको कोई अच्छा ऑर्डर मिल सकता है
पैसे के लेन देन संबंधित कार्यों को बहुत सावधानी से करने की जरूरत है। बात करते हैं सेहत की। आप अपने आसपास की चीजों को बदलने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं, लेकिन जरा शांति से बैठकर यह भी सोचे कि क्या उन्हें बदले जाने की वाकई कोई जरूरत भी है। आप अब जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे उनमें आपकी, लेकिन यह किसी और को तय करने देगी आपको करना क्या है। आज आप दृढ़ संकल्प से भरे रहेंगे। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा अर्चना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।